एवरेज पावर। देखो एवरेज पावर कहाँ से आ रही है, अगर आपको याद हो तो हमने ओनली रजिस्टर किया, ओनली इंडक्टर किया, ओनली कैपेसिटर किया। अगर ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी थी तो करंट की वैल्यू इसमें क्या थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी थी। उसी तरीके से अगर इसमें ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट की वैल्यू क्या थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू थी। ऐसी था ना, टाइम के साथ करंट और ईएमएफ दोनों चेंज हो रहे हैं हर चीज़ में, चाहे ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, ओनली रेजिस्टर, एलसीआर, हर आई और ई इंस्टेंटेनियसली अपनी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पावर क्या होती है, ई इंटू आई। अब सोचो अगर मैं इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कौन सी पावर आएगी, इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि ई भी इंस्टेंटेनियस है, आई भी इंस्टेंटेनियस है, तो पी भी इंस्टेंटेनियस है। पर मेरे को तो एवरेज पावर चाहिए, तो एवरेज पावर क्या होगा, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। तो एवरेज पावर निकालें, पहले एवरेज पावर किस में निकलेगी, ओनली रेजिस्टेंस में या फिर नॉन इंडक्टिव सर्किट में। तो ई का फॉर्मूला ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई का फॉर्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी। ई इंटू आई करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम, डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी टी राइट साइड पे ले जाओ, डी टी राइट साइड पे ले जाओ तो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन आ गया। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन, जीरो से टी तक जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ ये सब क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि हमने ये फॉर्मूला याद कर रखा है। यहाँ पर सीधा लिखेंगे ई नॉट आई नॉट टी बाई टू, याद है साइन स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन क्या क्या याद करवाई थी, टी बाई टू। सीधा लिखें, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई इंटीग्रेशन स्टेप्स दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा बाई टी बाई टू। ठीक है, तो सीधा आपके पास ये स्टेप बनता है, टोटल वर्क डन ई नॉट आई नॉट टी बाई टू। तो टाइम, टोटल टाइम को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम पीरियड एवरेज पावर क्या होगा, टू को ब्रेक कर लें रूट टू रूट टू, ई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, ई आर एम एस आई आर एम एस। तो एवरेज पावर की वैल्यू, एवरेज पावर की वैल्यू ओनली रजिस्टर में क्या आएगी, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस की फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें प्लीज। ओनली रजिस्टर में, ओनली रजिस्टर में एवरेज पावर इसके इक्वल है।